लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सियासी वार पलटवार जबरदस्त तरीके से हो रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सियासी तपिश देखने को मिल रही थी, एक बार फिर से वो बढ़ती दिख रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अखिलेश जी, लगातार बयान दे रहे हैं आप लोग, गठबंधन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार इस तरीके के बयान किस तरह से देखें? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, अपने काम पर हमारा पूरा फोकस है। हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारे परिवार में लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उनको अपनी सोच, अपनी चीज़ों को देखना चाहिए। और मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, बस मुझे इतना ही कहना है कि आज जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ लोग जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में जो एक आम जनता का जो विश्वास है आम जनता के बीच में, वो कांग्रेस प्रति बढ़ता जा रहा है। और राहुल जी की जो पदयात्राएं हुई यात्राएं, उससे लोगों एकदम उनके अंदर एक भाव है और वो कांग्रेस साथ जुड़ते जा रहे हैं। बाकी मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। कांग्रेस को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं वो? देखिए, जो वो अब मैं तो ये कहूँगा ना कि जब सोच और अपनी चीज़ों को बदलना चाहिए, जिस सोच से अगर आप चल रहे हैं वो सोच बहुत ही नहीं चल पाए। कांग्रेस का कुनबा पड़ता जा रहा है, लेकिन सेंधमारी जबकि कांग्रेस में, तो समाजवादी पार्टी में ही कर? नहीं, सेंधमारी नहीं की भाई। अगर कोई मेरे दरवाजे आ रहा है, अगर मेरे यहाँ सब लोग आकर बैठे हैं, तो मैं क्या दरवाज़ा बंद कर दूंगा या किसी को आने नहीं दूंगा? आएँ, सबका स्वागत है, सबको मिठाई खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, सबका स्वागत करेंगे। तो जो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास इतने वरिष्ठ नेता आए हैं उनके यहाँ से, तो आखिर उनको देखना चाहिए कि हमारे यहाँ से लोग क्यों जा रहे हैं। ये बड़ी बात है ना कि मेरे यहाँ से अगर कोई जा रहा है, ये विचार करना चाहिए कि आखिर में किस व्यवहार से, किस कारण से मेरे यहाँ से लोग जा रहे हैं। मेरे पास तो कोई, कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई ऐसी सत्ता नहीं है कि हम लालच देकर ला रहे हैं। जिसे भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग जा रहे हैं, वो लालच या उनको कुछ ना कुछ उनको ऐसा दिवा सपने दिखा रहे हैं मोदी जी एंड अमित शाह जी की टीम की, वो आपको ये कर दूंगा, आपको ये बदल दूंगा, आपको स्वर्ग जो है सारा, स्वर्ग का सारा आपको सुविधा दे दूंगा। कांग्रेस के पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हो सकता है अभी जेल जाना पड़े, जेल भरना पड़े, लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े, उसके बावजूद भी लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से इसका मतलब हमारे प्रति उनका भाव अच्छा बना है और हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका कुनबा तो पड़ रहा है, उनका कुनबा घट रहा है ऐसा लग रहा है, उनको चिंता करना चाहिए? मैं तो यही बोला ना, पहले बोल रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ कि भाई अगर ये आपके यहाँ से कोई मेरे पास आ रहा है, चाहे वो समाजवादी से आ रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी से आ रहा हो, चाहे भाजपा से आ रहा हो, चाहे किसी दल से आ रहा हो, वो आ रहा है तो क्यों आ रहा है? और हमारे पास तो कोई सत्ता है नहीं, न प्रदेश में है न देश में है। हम तो अभी उत्तर प्रदेश में 89 के बाद सत्ता में ही नहीं है। पर यह कि लोगों का एक विश्वास, लोगों का एक भाव, जो हमने कहा है वो किया, इस नाते लोगों का लगाव जुड़ाव आ रहा है। जो आप बोल रहे हैं, आप जनता, आम लोग, देखिए वरिष्ठ नेता जो भी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो एक इतना बड़ा एक नेतृत्व, प्रियंका जी ने जो संघर्ष किया 2022 में लेकर आज तक जो संघर्ष, उस नाते लोग जुड़ते चले आ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। रवि वर्मा जी की पार्टी में आ जाने के बाद कितनी मजबूत होगी पार्टी? निश्चित तौर से हमारी पार्टी उधर काफ़ी लखीमपुर खीरी से लेकर शाहजहाँपुर से लेकर काफ़ी मजबूत, हम कई जिले में उधर मजबूत होंगे। ये कद्दावर नेता हैं, इनके परिवार की मजबूत पृष्ठभूमि रही है, इनके पिताजी सांसद थे, ये पूरा संसदीय 10 बार के ये लोग वहाँ के सांसद रहे हैं। और अभी आप देखेंगे इनके परिवार के कई लोग ब्लॉक प्रमुख हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर हैं, तो एक अच्छा जनता के अंदर आधार है। हम काफ़ी मजबूत होंगे उस पूरे रीजन में, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में और देश में ये इनकी ज्वाइनिंग का संदेश जाएगा। आपके आने के बाद कांग्रेस काफ़ी एक्टिव हुई है, तमाम अभियान आप लोग एक साथ चलाने जा रहे हैं, कौन कौन से अभियान देखने को मिलेंगे आने वाले? देखिए, अब हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज जो स्थिति परिस्थितियाँ हमारे साथ हैं, हम आम आदमी का विश्वास जो कहीं ना कहीं मोदी और इनके द्वारा जो दुष्प्रचार करके भाजपा के द्वारा जो फैलाया गया था, उस दुष्प्रचार को हम लोगों ने, राहुल जी की यात्रा ने समाप्त कर दिया। और हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अभी हमने दलित गौरव संवाद शुरू किया है, अभी पिछड़ी जात के भी हमने कार्यक्रम किए हैं, और भी हम लगातार माइनॉरिटी सेल का भी कार्यक्रम हुआ है, और लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हमारा ये क्रम लगातार चलता रहेगा, और 2024-2027 ये हमारा क्रम रहेगा। 24 तो जीतेंगे, 27 भी जीतेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हुए कि 24 तो जीतना ही जीतना है, 27 की भी तैयारी उन्होंने कर रखी है। लखनऊ से कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, शेष वार्ता।